दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है बीते 12 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। जहां बीते सालों में शो में एक से बढ़कर एक नए कलाकार और किरदार दर्शकों का दिल जीतते नजर आए हैं, तो वहीं इसमें नजर आने वाली जोड़ियों ने भी अपनी अलग अलग खासियतों से दर्शकों का मनोरंजन किया और दिल जीता, जिसकी वजह से दर्शक उन जोड़ियों को टीवी इंडस्ट्री की बेस्ट जोड़ियों में शुमार करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में यूं तो कई जोड़ियां दर्शकों की फेवरेट रही हैं, पर क्या आप जानते हैं शो में नजर आने वाली अब तक की जोड़ियों में से दर्शकों को कौन सी जोड़ी सबसे बेस्ट लगती है और इस शो की किस जोड़ी को दर्शक नंबर वन जोड़ी मानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन्हीं जोड़ियों से। नंबर 8, शौर्य और वर्षा। इस लिस्ट की शुरुआत करने वाली जोड़ी है शौर्य और वर्षा की, जो कि शो में अक्षरा के भाई और भाभी के रूप में देखे जाते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं, वर्षा के रूप में जहां अभिनेत्री पूजा जोशी ने काफी सादगी भरे अंदाज और संस्कारी रूप को पेश किया था, तो वहीं इनके साथ यश गेरा ने भी एक अच्छे पति की भूमिका निभाई थी और इसीलिए ये जोड़ी भी अपनी इसी खासियत से दर्शकों की चहेती बन गई। नंबर 7, मनीष और स्वर्णा। शो में कार्तिक के माता पिता मनीष और स्वर्णा की जोड़ी भी इस लिस्ट में शुमार है, जिन्होंने भले ही शो में सास और ससुर की भूमिका निभाई थी, पर इसके बावजूद इन दोनों के बीच भी रोमांटिक होने के साथ साथ काफी लविंग केमिस्ट्री देखने को मिली थी। वहीं दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और सपोर्ट तो दर्शकों को इस जोड़ी का मुरीद कर गया था। नंबर 6, नमन और करिश्मा। अंशुल पांडे और प्रियंका उधवानी की प्रेजेंट की कई जोड़ी नमन और करिश्मा भी हमारी इस लिस्ट में शुमार है, जो कि शो में नायरा के चाचा चाची के रूप में देखे गए थे, जिनमें यूं तो काफी ज्यादा प्यार था, पर इनके बीच में प्यार के साथ साथ तकरार भी देखने को मिली, जो कि शो को काफी इंटरेस्टिंग बना देता था और इसी वजह से इनकी जोड़ी नंबर 6 पर शामिल है। नंबर 5, रश्मि और समीर। में अक्षरा की नंद और नंदोई के किरदार में देखे गए समीर और रश्मि यानी कि नेहा स्वरूपा और मजहर सैयद की जोड़ी भी हमारी लिस्ट में शुमार है, जिनकी इस जोड़ी में प्यार कम और तकरार ज्यादा देखने को मिली थी, जहां समीर तो रश्मि को धोखा भी देता है और इसी वजह से दर्शकों को इनकी जोड़ी इतनी ज्यादा खास नहीं लगी थी और इसी वजह से इन्हें नंबर 5 पर रखा गया है। नंबर 4, नैतिक और अक्षरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक रही है नैतिक और अक्षरा की जोड़ी, जिनकी जोड़ी को पर्दे पर पेश किया था हिना खान और करण मेहरा, जिनमें एक दूसरे के लिए सपोर्ट, प्यार और केयर सब दर्शकों को इस जोड़ी का फैन बना गया था। दोनों ही अपनी जोड़ी से एक मिसाल कायम कर गए थे और यही वजह है कि ये जोड़ी इतनी पसंद की गई थी कि आज भी इसे दर्शक बेस्ट जोड़ियों में शुमार करते हैं। नंबर 3, कीर्ति और नक्श। शो में कीर्ति और नक्श की जोड़ी भी दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, जिसे पर्दे पर उतारा था अभिनेत्री मोहिना सिंह और अभिनेता ऋषि देव, जिनके बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग थी और इसी वजह से इन दोनों की जोड़ी भी दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पसंदीदा जोड़ियों में शुमार हो गई थी, जिन्हें दर्शकों ने शो में जहां खूब प्यार दिया, तो वहीं रियल लाइफ में भी दर्शक दोनों को एक होता देखने की तमन्ना रखने लगे थे। नंबर 2, कार्तिक और नायरा। इस लिस्ट में नंबर 2 पर शुमार होने वाली जोड़ी है कार्तिक और नायरा की, जहां हिना खान की तरह ही शिवांगी जोशी ने भी अक्षरा की मासूमियत, चुलबुले और सादगी भरे अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया था। वहीं इनके शो में कार्तिक के रूप में देखे गए अभिनेता मोहसिन खान भी अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री और नायरा के साथ जोड़ी को लेकर दर्शकों के चहेते बने थे, जिसकी वजह से इनकी जोड़ी भी सबसे पसंदीदा जोड़ियों में नंबर 2 पर आती है। नंबर 1, अभिमन्यु और अक्षरा। इन सभी जोड़ियों में से दर्शकों को जो जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई है वो जोड़ी है अभिमन्यु और अक्षरा की, जिसे हर्षद चोपड़ा और प्रणाली वर्तमान में पर्दे पर पेश कर रहे हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं, दोनों अपने शो में अपनी क्यूटनेस और केमिस्ट्री से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं और इसी वजह से इन दोनों के सच्चे प्यार और बॉन्ड ने इस जोड़ी को नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, इनमें से आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।